हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक डिलाइट चैनल में। आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हमारे सामने आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके हमने उसको ओपन करा। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर देखा था पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, फॉन्ट ग्रुप के बारे में और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, और इन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टाइल ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टाइल ग्रुप का मीन्स होता क्या है, या फिर सबसे पहले कहते हैं स्टाइल्स होती क्या है। सिंपली अपन कह सकते हैं जो फॉन्ट की बहुत सारे ऑप्शंस को मिलाकर या स्टाइल्स को मिलाकर इन स्टाइल्स को क्रिएट किया गया, बनाया गया है। तो जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, वर्ड लिखा या कोई हेडिंग लिखी, तो उनको किस तरह से फॉर्मेटिंग करना, स्टाइल देना, यही हमारे स्टाइल ग्रुप के अंदर कुछ बनी बनाई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग मिल जाती है। तो चलिए इसके पहले हम शुरू करते हैं। जैसे हमने टाइप किया टेक डिलाइट बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन, इस लाइन को मैंने कॉपी करा कंट्रोल प्लस सी से और इसके आगे कर्सर रख के मैंने इसको पेस्ट कर लिया, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर देखा था। इसके आगे हम पेस्ट करते गए, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करा, कर्सर रख के आगे पेस्ट करते गए। तो ये हमारे सामने एक पैराग्राफ सा क्रिएट हो गया। इस पैराग्राफ की इस लाइन को हमने लिया, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करा, कर्सर रखा आगे, एंटर करा, पैराग्राफ नीचे आ गया और कंट्रोल प्लस वी से ऊपर पेस्ट कर लिया। तो जो स्टाइल आप जिस पैराग्राफ को देना चाहते हो उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ, जैसे नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडलाइंस, हेडिंग्स, हेडिंग वन, हेडिंग टू, टाइटल, इन हेडिंग्स के अंदर आपको टोटल 9 हेडिंग मिलती है, लेकिन अभी आपको शो 1 और 2 ही होगी। जैसे जैसे आप हेडिंग के ऊपर काम में लेते जाओगे, इन हेडिंग को यूज में लेते जाओगे, जैसे आपने हेडिंग 1 को यूज लिया, हेडिंग 2 को यूज लोगे तब हेडिंग 3 खुलेगी, 3 को यूज लोगे तब 4 खुलेगी, तो ये आगे से आगे आपको दिखती जाएगी। एक साथ में सारी हेडिंग्स ओपन हुई भी नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले नॉर्मल, तो आप अगर टेक्स्ट को नॉर्मल करते हैं तो ये पहले से नॉर्मल ही है। अगर आप इनको करते हो नो स्पेसिंग, तो नो स्पेसिंग की जो सेटिंग हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी, तो उन सेटिंग को ये अप्लाई कर देगा इस पैराग्राफ के अंदर। तो सारे लाइनों के बीच में और पैराग्राफ के बीच में जितना भी स्पेस होगा वो सारा हटा देगा नो स्पेसिंग। इसके आगे अगर हम हेडिंग दे रहे हैं, अगर आप किसी वर्ड को कोई पर्टिकुलर हेडिंग बनाना चाहते हैं किसी पैराग्राफ की, तो उसको हेडिंग के रूप में दे देगा। जैसे मैंने इस ऊपर वाले पैराग्राफ को हेडिंग 1 दिया और मैं इस नीचे वाले पैराग्राफ को हेडिंग 2 देता हूं, तो देखो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के अंदर वर्ड्स का फर्क है, लाइटनिंग, कलर, साइज, सबका फर्क दिखेगा। और जैसे मैंने हेडिंग 2 को काम में लिया, मेरी हेडिंग 3 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। हेडिंग 3 को मैं जैसे एक्टिवेट करता हूं, मैंने इस पर हेडिंग 3 दिया, तो हेडिंग 4 ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर लेगा। और हर एक हेडिंग के अंदर लाइन अपन वर्ड का डिफरेंस होगा, कलर्स का डिफरेंस होगा, साइज का डिफरेंस होगा, तो सारी हेडिंग सेम नहीं मिलेगी। पहले जैसा करना है वर्ड्स को सेलेक्ट करो और नॉर्मल कर दो, वर्ड्स को वापस ही आपके पहले जैसा करके दे देगा। इसको भी मैंने नॉर्मल कर दिया, या फिर आप कंट्रोल प्लस जेड अंडू बटन का भी यूज ले सकते हैं, इसको भी मैंने नॉर्मल कर दिया। इसके बाद आपको मिल रहा है टाइटल। जैसे आप ये आपका मेन हेडिंग आपको बनानी है पेज की, या फिर फ्रंट पेज आप कह सकते हो, तो इसको आप टाइटल ले लो, तो मेन टाइटल के रूप में आपको दिखा देगा ये। अगर आप इनको सबटाइटल लेना चाहते हो दो लाइंस को, तो सबटाइटल ले सकते हो। इसी रूप में आपको अलग अलग टाइप की स्टाइल्स इसमें मिलेगी, जिस टाइप की आप स्टाइल आपको सही लगे, आपको पसंद आए या आपको काम में लेनी हो, आप इनके ऊपर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था हमारे अपन कह सकते हैं स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो यही सारी आपकी स्टाइल्स होती है। और आगे अपन कह सकते हैं इन्हीं स्टाइल को और एक अलग रूप भी दिया गया है। जैसे आप कह सकते हैं इनके पास में एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज स्टाइल, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो स्टाइल दी हुई है ये अपने आप आपकी स्टाइल को उसके अनुसार चेंज करके दे देगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन के सामने कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो जिसको मैंने टाइटल दिया था, सब टाइटल दिया था, वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो रहे हैं। मेरे को किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो आपको सही लगे वो आप दे सकते हो। मान लो आपको कलर सही नहीं लगे, कलर आपको चेंज करना हो, तो इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट कलर दिया हुआ है वही चेंज हो गए, आप अपने अनुसार नहीं रख सकते इनको। फॉन्ट के अंदर देखते हैं तो सबका फॉन्ट एक साथ में चेंज होगा। आप खुद चेंज करना चाहो तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप इनमें से भी ले सकते हो बाय डिफॉल्ट। और एक दिया हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग, आपको कितना पैराग्राफ स्पेसिंग चाहिए या लाइन स्पेसिंग चाहिए ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। तो ये था हमारे पास स्टाइल ग्रुप के बारे में। इस स्टाइल को हम हटा देते हैं, सेलेक्ट करा, नॉर्मल कर दिया, तो ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो गया। इसको भी सेलेक्ट करके हमने नॉर्मल कर दिया। स्टाइल ग्रुप के बाद आता है हमारे पास एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे वर्ड के कुछ मेन पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल।
फाइंड का बेसिक मीन क्या होता है? फाइंड को अपन कह सकते हैं अगर आपने पैराग्राफ के अंदर या पेज के अंदर किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को, किसी लाइन को फाइंड करना है, ढूंढना है कि वो अक्षर कहाँ लिखा हुआ है, तो हम वो फाइंड की सहायता से हम उसको सर्च कर सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके विंडो के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आपका ये फाइंड का बॉक्स है। आप इस बॉक्स के अंदर जाकर जो भी वर्ड टाइप करेंगे जो आपको सर्च करना है उसको ये सर्च करके हाईलाइट करके बता देगा येलो कलर में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिलाइट, DLIGHT, तो जैसे मैंने डिलाइट लिखा आपके पेज के अंदर डिलाइट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है आप जाके हाईलाइट करके बता देगा। और जैसे आप डिलाइट के नीचे देख पा रहे 43 मैचेस लिखा हुआ है, इसका मीन ये होता है कि आपने टोटल ये वर्ड कितनी जगह लिखा हुआ है डिलाइट, तो आपके टोटल पे टोटल जगह बता देगा आपने कितनी जगह इस चीज को लिखा हुआ है। तो ये चीज आप कह सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी कि आपने कितनी जगह वर्ड को लिखा हुआ है। नॉर्मली ये चीज क्लियर हुई फाइंड के अंदर। फाइंड के बाद नेक्स्ट आपको टूल मिलता है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन होता है कि अगर आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया है या फिर कुछ रॉन्ग मिस्टेक कर ली है तो रिप्लेस उस वर्ड को चेंज कर लेता है आपको सही वर्ड से। अगर एक जगह लिखा हुआ हो तो आप खुद सही कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी जगह लिखा हुआ हो तो अपन खुद सही नहीं कर सकते, टाइम लगेगा अपने को, तो हम रिप्लेस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने रिप्लेस का बॉक्स ओपन होगा। आप इस बॉक्स के ऊपर ऊपर लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, किस अक्षर को ढूंढना है, और नीचे लिखा हुआ है रिप्लेस विथ, जिस अक्षर को आप ढूंढ रहे हो उस अक्षर को किससे आपको रिप्लेस करना है। जैसे मैंने लिखा डिलाइट, डिलाइट मैंने लिखा हुआ, डिलाइट वर्ड को मैं किसी मोहन नेम से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो नीचे मैंने मोहन टाइप किया। आप नीचे रिप्लेस के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सिर्फ एक जगह रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जितनी जगह लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में सब जगह एक साथ रिप्लेस कर देगा, और नीचे बॉक्स के अंदर बता देगा जैसे वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 42 रिप्लेसमेंट। ओके, तो मतलब 42 जगह इसने रिप्लेस किया है वर्ड्स को। और अगर आप वापस सही करना चाहते हो, मेरे को वापस डिलाइट ही करना है, मोहन नहीं चाहिए, तो फाइंड वर्ड के अंदर आप लिखिए मोहन, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड को किससे रिप्लेस करना है डिलाइट से, तो मैंने यहाँ पे डिलाइट लिखकर रिप्लेस ऑल कर दिया। ओके, तो ये था आपके सामने रिप्लेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिप्लेस के पास ही मेरे को फाइंड का बटन मिल रहा है, तो आप फाइंड से फाइंड करो ऊपर बटन से, या फिर आप रिप्लेस के अंदर भी आपको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स के अंदर ही अपने को ये वर्ड्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे मोहन वर्ड फाइंड करना, या मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर वर्ड, कंप्यूटर वर्ड के अंदर अपने को मिल रहा है फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करो तो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपका वर्ड कहाँ लिखा हुआ वो बता देगा और टोटल प्लेसेस बता देगा कितनी जगह लिखा हुआ है। तो ये था आपके सामने फाइंड और रिप्लेस। इसके साथ में एक और चीज है गो टू। गो टू का बेसिक मीन क्या होता है? आप इसकी हेल्प से किसी पेज नंबर और किसी लाइन नंबर पे जा सकते हैं। इसमें मेनली यूज पेज नंबर एंड लाइन नंबर ही आते हैं। सेक्शन, बुकमार्क, कमेंट्स, फुटनोट, ये क्या होते हैं हम अपनी आगे वाली क्लास में करेंगे इनको। तो सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर पे जाना। जैसा कि हमारे पास एक ही पेज है तो हम किसी और पेज पे नहीं जा सकते लाइन नंबर पे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसके और पेज बना देते हैं अपने पास डॉक्यूमेंट के। इस बॉक्स को अपन ने बंद किया क्लोज से, इस पूरे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए से, कॉपी करा कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस वी से हम इसको पेस्ट करते गए। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रीन के स्टार्ट बटन के ऊपर देख पा रहे हैं पेज 7 of 7, पहले वाला वर्ड 7 ये बता रहा है कि आप कौन से नंबर पेज पे हो अभी, और लास्ट वाला 7 ये बता रहा है कि टोटल पेज नंबर कितने हैं। तो जैसे मैं स्क्रॉल बटन से या स्क्रॉल बार से इसको ऊपर लेके जाता हूँ पेज को, तो अभी बता रहा है कि आप पेज नंबर 1 पे हो आपका कर्सर, और टोटल पेज की संख्या आपके सामने 7 है अभी। तो अब मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करो, आप गो टू के ऊपर क्लिक करो, मेरे को कौन से नंबर पेज पे जाना है, मेरे को पेज नंबर 5 पे जाना है। जैसे 5 लिखा मैंने और गो टू के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो आपको पेज नंबर 5 के शुरुआत में लेके चला जाएगा। देखो नीचे आपको मिल रहा है पेज नंबर 5, तो ये आपका पेज नंबर 5 है। अगर मैं चाहता हूँ किसी लाइन नंबर पे जाना, तो मैं चाहता हूँ मेरे को लाइन नंबर 105 लाइन नंबर कहाँ पे है, मेरे को उस वहाँ पे लेके जाओ 105 है। जैसे मैंने टाइप किया और गो टू के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी 105 लाइन नंबर जहाँ पे भी होगी बता देगा। जैसे यहाँ पे कुछ नाइट टाइप नहीं किया हुआ है तो भी ये बता देगा आपके पास 105 कहाँ पे है। तो ये चीज आपके इसके अंदर फाइंड और रिप्लेस के लिए अंदर बताएगी। फाइंड और रिप्लेस को आप किसी शॉर्टकट के रूप से भी ले सकते हो। फाइंड की शॉर्टकट होगी कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच, और गो टू की होती है कंट्रोल प्लस जी, जो आपको यहां मिल जाएगा। देखो फाइंड के ऊपर आप जैसे कर्सर को होल्ड करोगे बताएगा कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस के ऊपर जाओगे कंट्रोल प्लस एच, और गो टू फाइंड के अंदर मिलेगा आपको गो टू का कंट्रोल प्लस जी। तो ये चीज तो हमारे सामने हो गई फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। लेकिन फ्रेंड्स हम इस ऑप्शन को फाइंड रिप्लेस और गो टू के ऑप्शन को एक यहां से ओपन कर सकते हैं।
एक इनके शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं, और तीसरा हम इनके नीचे जो पेज नंबर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे आप, तो आप वहां से भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फाइंड रिप्लेस और गो टू। तो तीनों जगह से हम इस ऑप्शन को ऑन करके देख सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट मीन इसके अंदर सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, जो अभी अपन आज की क्लास में हम सिर्फ सेलेक्ट ऑल को ही समझेंगे, बाकी के ऑप्शन अपन सब आगे जब हमारे काम आएंगे तब हम इनको समझेंगे। सेलेक्ट ऑल में जैसे ही आपको पहले बता चुका हूं, सेलेक्ट ऑल पे और जैसे आप क्लिक करोगे तो सारे वर्ड्स को डॉक्यूमेंट के अंदर एक साथ में सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट ऑल जस्ट अपन कह सकते हैं जब जो आप कंट्रोल प्लस ए करते हो तो वही आपके सामने सेलेक्ट ऑल होता है। तो ये चीजें होती है अपने पास में। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा स्टाइल ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं अभी इसके अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे पेज नंबर का मैंने बताया था, इस पेज नंबर के पास में वर्ड्स लिखा हुआ है, इस वर्ड्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है। ये बॉक्स आपको पूरे फाइल की हिस्ट्री बता रहा है, या फिर कह सकते हैं पूरी फाइल की डिटेल बता रहा है कि आपके पूरी फाइल के अंदर कितने पेज आपने लिए हैं, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस। कैरेक्टर नो स्पेस का मीन होता है आपने बिना स्पेस के कितने कैरेक्टर्स को टाइप किया है, विथ स्पेस का मीन होता है कि आपने स्पेस के साथ में कितने टाइप किए हैं कैरेक्टर। विथ स्पेस का मीन ये भी कह सकते हैं कि ये आपने स्पेस को भी साथ में काउंट कर रहा है, कितने पैराग्राफ लिखे हुए आपने 24 और कितनी लाइन आपने लिखी हुई है 216। ये तो पूरे डॉक्यूमेंट का बता रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं मेरे को सिर्फ इसी पैराग्राफ का जानना, तो इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करो, वर्ड के ऊपर क्लिक करो, तो सिर्फ ये आपके सेलेक्टेड पैराग्राफ के बारे में ही बताएगा कितनी लाइन है, कितने पैराग्राफ है, कितने कैरेक्टर लिखे हुए, कितने वर्ड्स लिखे हुए। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको मालूम चल गई होगी। तो आज की क्लास अपन यहीं तक ही करेंगे स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट्स करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, कमेंट्स के थ्रू आप हमको बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।